नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com और मैं हूं आपके साथ खुशबू। चुनावी सरगर्मियों के बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चुनाव प्रचार किया। राजनाथ सिंह ने सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए POK में मानव अधिकारों के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा POK में आवाज उठ रही है कि वे पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता हूं कि जिस तरह से POK में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और जिस तरह से वहां के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उसे इसका संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा करीब 3 साल पहले मैं वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों को संबोधित कर रहा था तो मैंने कहा था कि POK को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान सरकार की वजह से POK में जो हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए POK के लोग भारत में विलय की मांग जरूर करेंगे। अब एक बात चलती है बार बार, कांग्रेस के लोग कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK। बहनों भाइयों, 3 साल पहले ही रक्षा मंत्री के रूप में देश के सेना के जवानों अधिकारियों को संबोधित करते हुए मैंने कहा POK के बारे में हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। POK में ऐसे हालात बनते जा रहे हैं वहां की पाकिस्तान की सरकार के कारण कि कुछ देर में POK के लोग ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि उसके 1 साल 1.5 साल के बाद पाक अधिकृत कश्मीर POK से यह आवाज उठ रही है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। यदि हमारी बात गलत है कोई प्रमाणित कर दे। और बहनों भाइयों, आज भी आपने देखा होगा वीडियो, शायद कुछ लोगों के पास होगा, पाक अधिकृत कश्मीर के लोग कह रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में पाकिस्तान का झंडा नहीं फहरेगा, पाकिस्तान का झंडा उतारा जा रहा है, POK के रहने वाले लोगों के द्वारा ही उतारा जा रहा है। और बहनों भाइयों, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इनकी जिम्मेदारी होती है कि दुनिया में कहीं पर भी मानवाधिकार का यदि उल्लंघन हो रहा हो, मानवाधिकारों का हनन यदि हो रहा उसका वह संज्ञान ले। तो आज इस लखनऊ के मंच से मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करना चाहता हूं, पाक अधिकृत कश्मीर में जिस तरीके से मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, POK के रहने वाले लोगों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उसका संज्ञान ले, मैं यह अपील करना चाहता हूं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बगावत के तेज हो रही है। POK की जनता पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रही है। सभा के दौरान राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें POK में पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे को उतारते हुए देखा जा सकता है। POK में लोगों ने अपना मन बना लिया है और पाकिस्तान के साथ जाने से इनकार कर दिया है। दुनिया के किसी भी हिस्से में मानव अधिकारों के उल्लंघन की देखभाल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है। राजनाथ सिंह ने कहा मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से POK में मानव अधिकार उल्लंघनों का संज्ञान लेने की अपील करता हूं कि POK में लोगों के मानव अधिकारों का दमन किया गया है। जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेता सेना के जवानों से प्रमाण मांगते हैं, हमारे देश की सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवालिया निशान लगाने की जरूरत करते हैं। भारत दुनिया का एक ताकतवर देश बन चुका है, हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। लेकिन विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं तो दुनिया के देश पर शासन करने के लिए नहीं बनना चाहते हैं, किसी देश पर कब्जा करने के लिए नहीं बनना चाहते। हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं तो हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने जो हमको संदेश दिया है, वसुधैव कुटुंबकम, भारत की सीमा में रहने वाले लोग ही हमारे परिवार के सदस्य नहीं है बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम यह मानते हैं हम महाशक्ति यदि बनना चाहते हैं तो किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं, भाईचारे का संदेश देने के लिए महाशक्ति बनना चाहते हैं। क्योंकि कमजोर ताकतवर की बात सब सुनते हैं, कमजोर की बात कोई नहीं सुनता, इसलिए हम महाशक्ति बनना चाहते हैं। और हम लोगों का स्वभाव है हम किसी को आंख दिखाते नहीं, लेकिन आज मेरे बस्ती के बहनों भाइयों पक्का विश्वास रख लेना, हम किसी को आंख दिखाते नहीं है, लेकिन यदि कोई आंख दिखाएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कुवत भारत के अंदर।
अब हमारे सेना के जवान अपने शौर्य पराक्रम का परिचय देते हैं। पूरी और पुलवामा का कांड हुआ, जाकर पाकिस्तान की धरती पर उसका जवाब देते हैं। ये राहुल जी, क्या हो गया राहुल गांधी को? कहते प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए। हमारे देश के जवानों से प्रमाण मांगेंगे? हमारे देश की सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर सवालिया निशान लगाने की जरूरत करेंगे? सारी दुनिया मान रही है, इनकी समझ में नहीं आ रहा। बहन भाइयों, कभी आते हैं तो आप भी समझाइए। समझाइए का मतलब बातचीत करके समझाइए। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे पंजाब केसरी.com के साथ।